हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। देखिए, आज आपके लिए एक डबल कलर का फिर से सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिएगा, ऐसे दिखता है। ये बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन है। हार्डली दो दो फंदों के मल्टीपल में है डिज़ाइन और जस्ट टू लाइंस का जो है ये डिज़ाइन है। बाकी जो है आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से इसे बनाएंगे। ये थोड़ी सी मोटी वूल है, 5 प्लाई की वूल है, तो 9 नंबर से आपको इसे बता रही हूँ। वैसे ये पतली वूल में भी अच्छा बनेगा। तो चलिए फिर देखते हैं इसे हम किस तरीके से बनाएंगे। चलिए देखिए, दो कलर का डिज़ाइन बता रही हूँ, दो दो फंदों के मल्टीपल में है। ये 5 प्लाई की वूल है और दो कलर्स ले रही हूँ मैं, एक वाइट है, एक पिंक है। अब जितने भी फंदे हैं दो दो के मल्टीपल में हैं, तो 9 नंबर की सिलाई से आपको बता रही हूँ। अब देखिए, एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी आपने सफ़ेद से या जो भी कलर आप ले रहे होगे उससे करोगे। अब करना क्या है देखिएगा, अब मैं सेकेंड कलर ले रही हूँ इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे। अब धागा अपनी तरफ करके मैंने यहाँ पे जो है जाली डालनी है। तो जाली डालने के लिए मैं धागा ऐसे लपेटूंगी और इन दो को दो का एक कर दूंगी ऐसे उल्टे में। ध्यान से देखिएगा, अगेन जाली ऐसे लपेटूंगी, इन दो को दो का एक करूंगी उल्टे में, अगेन जाली ऐसे लपेटूंगी, इन दो को दो का एक करूंगी उल्टे में, फिर जाली लपेटूंगी, धागा लपेटूंगी और दो का एक करूंगी उल्टे में। हार्डली दो लाइंस का डिज़ाइन है ये देखिए। ये लपेटा और इन दो को आपने दो का एक किया उल्टे में, फिर से ऐसे लपेटा धागा, इन दो को दो का एक किया उल्टे में, और ये लास्ट का फंदा। अब देखिए उल्टी लाइन में आपने क्या करना है, पलट लीजिए। अब ये फंदा तो पहला उतारूंगी और ये जो फंदा हमने यहाँ से उल्टा बनाया था इसे यहाँ से उल्टा बनाऊंगी। ध्यान से देखिएगा, फिर धागा आगे करके जो जाली है उसे मैं जो है सीधा बनाऊंगी। इस तरीके से सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, ये उल्टा, अगेन धागा आगे, ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, ये उल्टा, फिर धागा वापस सीधा, धागा अपनी तरफ उल्टा, धागा वापस सीधा, धागा अपनी तरफ उल्टा, धागा वापस सीधा। जो जाली हमने डाली थी वो हमें सीधी बनानी है। देखिए ये आ गए हम लास्ट में, और ये ऐसे, ये देखिए। आप व्हाइट लेना है आपने इस तरीके से, और सारे फंदे सीधे बनाने हैं ऐसे। आप पलट के ये उल्टे बनाने हैं आप ऐसे। ये देखिए, ये हो गया। ये देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। फिर से पिंक कलर लूँगी, ये आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो काफ़ी सारे कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, और दो कलर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, ये पहला फंदा सीधा, अब धागा अपनी तरफ करके इसे ऐसे लपेटूंगी। ध्यान से देखिएगा, ऐसे लपेटा, इन दो को आपने दो का एक किया, अगेन लपेटा ऐसे उल्टे में, दो का एक किया, फिर से लपेटा ऐसे उल्टे में, दो का एक किया, फिर लपेटा ऐसे उल्टे में, दो का एक, अगेन लपेटा, दो का एक, फिर लपेटा, दो का एक, और ये लास्ट फंदा। पलट के वही देखिए,
ये उतारूंगी। अब ये वाला फंदा धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा बनाऊंगी, धागा आगे करके ये जो जाली है इसे सीधा बनाएंगे ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ ये उल्टा, धागा वापस इसे सीधा, धागा अपनी तरफ उल्टा, धागा वापस सीधा, ये उल्टा, धागा वापस ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ ये उल्टा, धागा आगे ये सीधा। बहुत ही खूबसूरत सा डबल कलर चढ़ता है ये, बेसिकली बच्चों के लिए बहुत सुंदर सा बनेगा ये, देखेंगे आप, ये देखिए, ये देखिएगा बहुत खूबसूरत। अब फिर वही एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी व्हाइट की इस तरीके से। तो अब आप इसे बनाते हुए जाइए, बहुत खूबसूरत और बहुत जल्दी चढ़ने वाला डिजाइन है ये। ये देखिए एक लाइन पूरी करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखिएगा। आप चाहे तो गैप ज्यादा भी रख सकती है, वो आप अपने हिसाब से कर सकती है। मैंने दो लाइंस का रखा है, आप चाहे तो ज्यादा भी रख सकती हो। इसे हम बॉर्डर पे भी डाल सकते हैं, आप ये देखेंगे शॉल बना सकते हैं, बॉर्डर पर डाल सकते हैं, बच्चों के फ्रॉक पे बहुत सुंदर लगेगा ये। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर जरूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।